मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि पॉक्सो कानून में किशोर उम्र के उन लड़कों को दंडित करने का प्रावधान नहीं है जो एक नाबालिग लड़की से उसकी सहमति से संबंध बनाते हैं। शारीरिक बदलाव से गुजर रहे युगल के लिए अभिभावकों और समाज का समर्थन जरूरी है। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि पॉक्सो कानून बच्चों को यौन अपराध से बचाने के लिए लाया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में उन किशोरों के परिजन शिकायत दर्ज कराने आ रहे हैं जो प्रेम संबंधों में संलिप्त हैं। इसलिए विधायिका को सामाजिक जरूरतों में बदलाव के साथ तालमेल बैठाते हुए कानून में बदलाव लाना होगा। न्यायमूर्ति एन वेंकटेश ने एक ऑटो चालक के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत दर्ज आपराधिक मामला रद्द कर दिया। दरअसल एक नाबालिग लड़की से विवाह करने के लिए उस ऑटो चालक पर पॉक्सो कानून के तहत FIR दर्ज कराया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि कानून में स्पष्ट है कि इसके दायरे में ऐसे मामले नहीं आने जाने चाहिए जो किशोरों या नाबालिगों के प्रेम संबंध से जुड़े हुए हों। पॉक्सो कानून आज के मुताबिक निश्चित रूप से कड़ी प्रकृति के कारण लड़के के कार्य को आपराधिक बनाता है। उन्होंने कहा कि किसी नाबालिग लड़की के साथ संबंध रखने वाले किशोर लड़के को दंडित करना पॉक्सो कानून का उद्देश्य कभी नहीं रहा। हार्मोनल एवं शारीरिक बदलाव के दौर से गुजर रहे किशोर उम्र के लड़के लड़कियों जिनमें फैसले लेने की क्षमता भी विकसित नहीं हुई है, उन्हें उनके अभिभावकों और समाज का समर्थन मिलना जरूरी है। पॉक्सो कानून पर मद्रास हाईकोर्ट के इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है?